श्रोताओं नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, लॉकडाउन लगने के बाद से बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के श्रमिक, विद्यार्थी और अन्य व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इन्हें वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन लोगों के बड़ी संख्या में प्रदेश वापस आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए भी शासन द्वारा सारे एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। तो आइए सुनते हैं, कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ कोरोना संकट के इस दौर में राज्य में लोगों को रोजगार देने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयास और ऐसे ही कई अन्य सामयिक मुद्दों पर केंद्रित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यह विशेष भेंटवार्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों आदि के उनके गृह राज्य में लौटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए ट्रेनों के संचालन का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक, विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं? जब भारत सरकार ने ये निर्देश दिया था कि अपने लोगों को लाने के लिए बसों का उपयोग करें, उसी समय मैंने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से दूरभाष से चर्चा की कि जो दूर राज्य में बैठे हुए लोग हमारे हैं जी, उन्हें यदि लाना है तो बस व्यवहारिक नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ट्रेन चलाया जाना चाहिए, चाहे आसाम हो, चाहे जम्मू हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हमारे दक्षिण के राज्य कर्नाटक या केरल के हों, यहाँ बस के बजाय ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक होगी। और उस बात को उन्होंने माना और पूरे देश में ट्रेन सुविधा प्रारंभ की गई है। लेकिन उसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि ट्रेन की सुविधा कल से शुरू हुई है। सबसे पहले झारखंड में संचालित किया गया, जो हमारी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरी जी। अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के ट्रेनें चलाई जा रही है। हमने भी मांग की है अलग अलग राज्यों से कितने ट्रेन हमको चाहिए, क्योंकि हमारे मजदूर और दूसरे सब साथी लोग फंसे हैं, उन्हें लाने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए जो आंकड़े हमारे पास है उसके अनुसार ट्रेन संचालित करने के लिए हमने पत्र भेजा है भारत सरकार को जी। लेकिन भारत सरकार ने जो अभी निर्देश दिया है उसमें ये है कि राज्य सरकारों को वो किराया वहन करना होगा जी। बस हम संचालित करते हैं, कोई हमारे सरकार के पास तो बस है नहीं, प्राइवेट एजेंसी से भी हम लोग करते हैं तो उसकी किराया हम लोग देते हैं, लेकिन भारत सरकार की खुद की ट्रेन है, भारत सरकार को इसको वहन करना चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो जो कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन जब दूसरे राज्यों में फंसे ये मजदूर या अन्य व्यक्ति जब हमारे राज्य में वापस आएंगे तब संक्रमण न फैले, इसके लिए क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, पहले दौर को तो हम लोग बहुत अच्छे से उसका सामना किया और हमारे यहाँ अभी तक कुल 43 ही कोरोना पॉजिटिव मिले, उसमें से 36 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं जी। 7 कोरोना पॉजिटिव का इलाज चल रहा है और उसके भी स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। तो प्रथम चरण में हमने ठीक से सामना किया। जो द्वितीय चरण है जिसमें हजारों की तादाद में मजदूर आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, दूसरे अन्य लोग भी आएंगे, अब वो मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग कोरोना कैरियर हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग कोरोना कैरियर हो सकते हैं और वो अब विभिन्न शहरों में, कस्बों में, गांव में जाएंगे। तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, असली चुनौती अब सामने आएगा जी। जब वो लोग आएंगे और उसका बिहेवियर किस प्रकार से होगा, तो ये चुनौती हमारे लिए ज्यादा बड़ी है और इसे हमको डटकर मुकाबला करना है। और इसके लिए जो तैयारी हमारी है जी, वो यही है कि जितने भी लोग आए उससे पहले टेस्ट होगी, उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा। गांव-गांव में निर्देश दे दिए गए हैं सभी सरपंचों को कलेक्टर के माध्यम से, और वहाँ जितने भी पंचायत स्तर में जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहायिका हो या मितानिन हो, कोटवार हो, ये सबकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सूचना दे के आए या बिना सूचना दे चुपचाप आ गए हैं,
इसकी जानकारी वो संबंधित अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों को वो देंगे ताकि उनको क्वारंटाइन में रखा जा सके, उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, उसकी जांच की जा सके और जो आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती है वो हम दे सकेंगे। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो अभी लॉकडाउन का बहुत बढ़िया पालन किए। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया रहा जी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसे जिस प्रकार से लिया है पूरे देश में चर्चा है, चाहे यहाँ के हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभिन्न विभाग के, चाहे वो महिला बाल विकास के हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे वो विद्युत विभाग के हो, चाहे गृह विभाग के हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, चाहे खाद्य विभाग के हो, सब लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे जनसंपर्क विभाग के लोगों ने खूब काम किया जी। जो संदेश है सरकार के उसको आम जनता तक पहुंचाने में मीडिया के लोगों ने खूब अच्छा काम किया, समाज सेवी संगठनों ने बहुत बढ़िया काम किया, विभिन्न संगठनों ने इतना बढ़िया काम किया कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई और सारी सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचती रही है। उसी कारण से हम कोरोना को परास्त करने में अभी तक के सफल रहे हैं। अभी जो खासकर ग्रामीण अंचलों में, हम बस्तर के कहें या आदिवासी अंचल जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ गांव में खुद ही बैनर लगा दिए जी, हमारे गांव में प्रवेश वर्जित है, किसी ने खंभा गाड़ दिए, कुछ लोगों ने कटेली झाड़ी काट के रास्ते में लगा दिए और किसी को आने जाने नहीं दिया, और जैसे कोई व्यक्ति आया तो उसे तुरंत प्रशासन को सूचित कर देते थे। नक्सली क्षेत्रों में भी लोगों ने प्रशासन को सूचना दी जी। लेकिन वहीं यदि कुछ लोग आ भी गए तो गांव के बाहर जो स्कूल बिल्डिंग है या पंचायत बिल्डिंग है या कोई भी इस प्रकार से भवन है उसमें उन्होंने रुकवा दिया, उनके भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन गांव में उन्होंने घुसने नहीं दिया, चाहे खुद के रिश्तेदार ही क्यों ना हो जी। तो इस प्रकार से लॉकडाउन का सही मायने में और कड़ाई से और स्व अनुशासन से जो पालन किया है हमारे गाँव के लोगों ने किया है, और तो अभी मुझे उन्हीं के ताकत से ये विश्वास है कि हमारे लाखों जो मजदूर गांव में आएंगे और गांव के लोगों के सहारे ही इस कोरोना को हम पराजित करेंगे। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा हमारे ग्रामीण बंधुओं से, जो भी गांव में आए उसे प्रशासन को सूचना दें, किसी से मिलने ना दें, उनके अलग व्यवस्था कर दें। पंचायतों में 2 क्विंटल चावल हमने रखा है, यदि समाप्त होता तो फिर से हम 2 क्विंटल चावल देंगे जी। तो उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ कर रखी है जी। तो इसका पालन हमको करते हुए, ये बड़ी लड़ाई है उसके लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि भारत सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है, जो दूसरे प्रदेश के मजदूर हैं उसे आने का अनुमति दी है, और ये अपने लोग हैं और इनको हमें लाना भी है। महीनों से वो लोग हमसे अलग रह रहे थे, उनकी तकलीफें भी हैं, लेकिन कोरोना को यदि पराजित करना है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई, जो हाथ धोना है, उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री जी, आपने जो कोरोना संकट का जो पहला चरण है उससे निपटने में जो छत्तीसगढ़ ने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उसका एक बड़ा श्रेय आपने हमारी जो ग्रामीण जन है उनको दिया है, और छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से उन राज्यों में स्थान रखता है जहां कोरोना वायरस का प्रकोप काफी हद तक नियंत्रण में रहा है। इस सफलता के पीछे जो छत्तीसगढ़ शासन की क्या कार्य योजना या क्या शुरुआती निर्णय आपने लिए, उनके बारे में भी बताइए। बहुत स्पष्ट है, ये कोरोना वायरस विदेश से आया हुआ है जी। तो जो व्यक्ति विदेश से यात्रा करके आए हैं जी, उन्हीं के माध्यम से आना है, और इसलिए हमने 1 मार्च से जो लोग भारत लौटे हैं, हमारे प्रदेश में लौटे हैं, उनके तत्काल हमने सूची तैयार की और उन सबसे संपर्क किया और सबको होम आइसोलेशन में रखा जी, और उसके देखरेख के लिए हर विभाग के अलग अलग अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी कि इनको आपको रोज सुबह शाम आपको देखना है कि ये नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है जी। और घर वाले भी और वो खुद जो विदेश यात्रा से लौटे हुए व्यक्ति ने भी बहुत सहयोग किया, अपने आप को होम क्वारंटाइन में, होम आइसोलेशन में रखा। उसका फायदा ये हुआ कि हम बहुत जल्दी जो कोरोना पॉजिटिव कुछ लोग थे उसे आइडेंटिफाई करने में सफल रहे, और प्रारंभिक तौर से 18 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मिला, फिर 25 तारीख को मिला, फिर 28 तारीख को मिला। इस प्रकार से ये एक एक करके मिलते गए और सबका इलाज हम लोग सुनिश्चित करते गए, और सबके सहयोग से
इसे हम लोग लड़ पाए। दूसरा ये है कि अब हमारे राज्य में हमने विदेश से आने वाले को आइडेंटिफाई कर लिया जी, लेकिन तत्काल बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है जी, वो 7 राज्य के से घिरा हुआ है जी, तो सभी हमारे सीमा है उसको हमने सील कर दिया जी, और ताकि दूसरे प्रदेश के लोग मत आ सके, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से फिर हमारे यहाँ कोरोना आता जी। हमने उसे कड़ाई से पालन किया, किसी के अंदर घुसने नहीं दिया, जिलों को हमने सील बंद किया, फिर गांव वाले खुद ही अपने आप को स्वशासन से गांव में प्रबंध कर लिए, किसी को घुसने नहीं दिए जी। तो लॉकडाउन जो है वो प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे, उसके बाद गांव के स्तर पे जी, ये लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ जी। तो उसका हमको फायदा मिला, और उसके साथ साथ क्योंकि जहां लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लगी, उसके बाद जो स्थिति बनी जी, आपने देखा होगा, उसके पहले हमने क्या किया, जितने भी जो आंगनबाड़ी है, स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग क्लासेस हैं, बाजार है, जो हमारे शॉपिंग मॉल है, थिएटर हैं, सबको हमने बंद किया जी। जहां लोग अक्सर एकत्रित हो जाते थे जी, उन सब चीज हमको हमने बंद किया। उसके बाद जो स्थिति आपने देखा होगा कि जो स्थिति उत्पन्न हुई, यदि आप किसी को घर में बंद रखते हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है राशन की जी, फिर जरूरत पड़ती सब्जी की जी, फिर गैस सिलेंडर की। तो ये जो चीजें हैं उसको हमने बिल्कुल रेगुलराइज किया, किसी को कोई परेशानी ना हो पाए। जैसे हमको पता चला कि सब्जी कीमत एक दिन में 2 गुना हो गया, तत्काल बाड़ियों से गाड़ी आने की व्यवस्था की जी, सब्जी भी आए और रेट भी कम हुए, तो सब्जी ताजा भी मिला और सहज रूप से उपलब्ध भी हुआ, कम कीमत उपलब्ध हुआ। राशन में जहां आटे की कमी हुई, दाल की कमी हुई, तो हमने फ्लोर मिल को भी शुरू करवाया, दाल मिल को शुरू करवाया जी, और उसका वितरण पूरे प्रदेश में कराया। राशन की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया कि 2 महीने का राशन मुफ्त में हर परिवार को 35 किलो के हिसाब से दें, 70 किलो चावल। अब तो हमने फैसला किया कि जून महीने का भी चावल हम प्रति परिवार 35 किलो मुफ्त में देंगे। तो इस प्रकार से प्रति परिवार 1 क्विंटल 5 किलो राशन सबको पहुंच गया, तो राशन की चिंता समाप्त हो गई। लगातार लोगों के लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, राशन दुकानें हैं, इसको हमने खुला रखा लॉकडाउन के बावजूद भी, ताकि लोगों की इस चीज की कमी ना हो, किसी को असुविधा ना हो, इस बात का हमने विशेष रूप से ध्यान रखा, और इसी कारण से यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं मची। मैं उद्योगपतियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे अपील पर अपने कर्मचारियों को अपने परिसर में रखा और उनके राशन पानी की व्यवस्था की, जिस कारण से हमारे जो मजदूर हैं वो सड़कों पे दिखाई नहीं दिए। प्रारंभिक तौर पे आप देखेंगे जी, हमारे मजदूर सड़कों में दिखाई नहीं दिए, वो यहीं रहे। तो इस प्रकार से व्यवस्था हमने की। बस्तर में या फिर जो हमारे ट्राइबल एरिया है जी, वहाँ लघुन उपज आया, महुआ और इमली का सीजन था, सारी दुकानें बंद थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। हमको जैसे सूचना मिली, स्व सहायता समूह के माध्यम से समर्थन मूल्य से अधिक 17 रुपये के बजाय 30 रुपया में हमने खरीदने का फैसला किया जी। तो उनको जो सामान्य दिनों में, सामान्य वर्षों में जो रेट मिलता था, उससे 2 गुना रेट इस समय मिला है जी। तो जो लघु उपज है उसकी भी व्यवस्था हमने कर दी। हमारे यहाँ धान के समर्थन मूल्य में 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हम पहले ही कर चुके हैं जी, किसानों के पास, वनांचल में रहने वाले लोगों के पास, और मजदूरी के लिए मनरेगा काम हमने कभी बंद नहीं किया, और आज देश में सर्वाधिक मजदूर, कल 20 लाख के आसपास थे, आज 19,15,000 मजदूर आज काम कर रहे हैं जी, देश में सर्वाधिक है जी। तो सभी वर्ग के लिए हमने ये व्यवस्था की, चाहे मजदूर हो, चाहे वनांचल में रहने वाले लोग हों जी, चाहे किसान हो जी, इनके लिए व्यवस्था हमने कर दी। इस कारण से कोरोना को परास्त करने में सबका सहयोग भी मिला। मुख्यमंत्री जी, अब जबकि लॉकडाउन के दौरान धीरे धीरे जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं उनके लिए छूट दी जा रही है, तो ऐसे में जो प्रदेश में स्थित उद्योग हैं या जो लघु उद्योग हैं वो फिर से शुरू हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए भारत सरकार से सभी राज्यों ने जी निवेदन किया कि ये जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं, उन्हें फिर से संचालित किया जाए जी,
और चूंकि बड़ा नुकसान हुआ है जी, तो इसके लिए आर्थिक मदद भी भारत सरकार से करे, हमने भी पत्र लिखा है जी। और भारत सरकार से उम्मीद है कि इन लोगों की मदद के लिए कुछ न कुछ पैकेज जरूर देंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर संकट में एक अवसर भी छुपा होता है, तो छत्तीसगढ़ में इस कोरोना संकट को एक संभावना में बदलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, जब ये कोरोना संकट थोड़ा कम होगा तो उस समय विदेशी निवेश यहाँ आकर्षित करने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनाई जा रही है? अभी उद्योग विभाग की हमारी बैठक हुई जी, और जो उद्योग हिंदुस्तान आना चाहते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा हम छत्तीसगढ़ लाएं, और उसके लिए अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग नीति बनेगी, उसके लिए फिर कैबिनेट में जाएंगे। लेकिन जितना अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए जो सुविधाएं दे सकते हैं जी, वो देने का हमारा प्रयास होगा ताकि हमारे यहाँ अधिक से अधिक उद्योग लग सके। मुख्यमंत्री जी, कोरोना संकट के समय में हमारे प्रदेश की महिलाओं ने, खासतौर से जो हमारे ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की जो महिला सदस्य हैं, उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है इस पूरी जंग से हमें लड़ने में, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है, एक मिसाल पेश की है मास्क का, सैनिटाइजर का और दूसरी सामग्री का निर्माण कर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए दो चीजें, फिजिकल डिस्टेंसिंग और दूसरा साफ सफाई जी। तो साफ सफाई के लिए जरूरी है साबुन, सैनिटाइजर और मास्क जी। बचाव के लिए जी। उस समय मार्केट में सब चीजें उपलब्ध नहीं थी जी। हमारी जो स्व सहायता बहने हैं जी, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, मास्क बनाए, मुफ्त में बांटे भी, कुछ को बेचे, कुछ पैसे भी उससे मिले जी। सैनिटाइजर बड़ी मात्रा में उन लोगों ने निर्माण किया जी, ताकि हैंड सैनिटाइजर की कोई कमी न हो जी। और साथ ही साबुन का भी निर्माण किया है। तो ऐसे कठिन समय में भी बड़े हिम्मत के साथ हमारे बहनों ने जो काम किया है उसका मैं प्रशंसा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, कोरोना संकट का किसानों पर ज्यादा असर ना हो तो सरकार ने इस संकट काल के दौरान किसानों की किस तरह से मदद की है? किसानों के लिए देखिए, एक जहाँ तक कोरोना का महामारी पूरे प्रदेश और देश में फैला हुआ है जी, वहीं अतिवृष्टि कहीं ओलावृष्टि भी के कारण से जो हमारे ग्रीष्मकालीन फसल है उसका नुकसान हुआ जी। बीमा की राशि है और जो भू राजस्व संहिता के धारा 6-4 के तहत उनको सहायता दी जा रही है। साथ ही किसानों के जो समर्थन मूल्य है उसे तो हमने खरीदा है जी। उसके अलावा भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके लिए बजट में हमने 5,100 करोड़ का प्रावधान किया है। उसे अब समय आने पर उन लोगों को वितरित करेंगे ताकि आने वाले फसल की तैयारी में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री जी, इस संकट में एक बड़ी चीजें भी आती हैं, लोगों के अलग प्रतिभाएं निकल के आती हैं, विभाग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कई नवाचार करते हैं, महिला बाल विकास ने खासतौर से एक बड़ा अच्छा, आपने भी उसका शुभारंभ किया, एक चकमक करके कार्यक्रम, जो आंगनबाड़ी जो केंद्रों में जाने वाले बच्चे हैं क्योंकि अब केंद्र में नहीं जा रहे हैं वो, तो उनको पढ़ाने के लिए, इसके बारे में बताइए क्योंकि बड़ा उसकी तारीफ हो रही है पूरे देश भर में। देखिए, यूनाइटेड नेशन के लोगों ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की क्योंकि अब लॉकडाउन है, घर में बच्चे हैं, बच्चों को संभालना बड़ा कठिन है जी। बच्चे वैसे भी उछल कूद करते रहते हैं जी। ऐसे में घर बैठे बैठे कुछ खेल है, कुछ क्रिएटिविटी है और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें हैं, उसको सीखने के अवसर मिले, इसलिए चकमक कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है और इसे लोगों ने हाथों हाथ लिया कि बच्चे कैसे खेलें। और बच्चों के खेल में उनकी माताएं भी खेलना शुरू कर दी थी, उसमें भाग लेना शुरू कर दिए थे। इसी के साथ साथ आप देखें एजुकेशन में भी जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के भी हमने ई लर्निंग पढ़ाई तुम्हारे द्वारी ये कार्यक्रम भी हमने शुरुआत की है और उसमें 10 लाख से अधिक बच्चे उसमें जुड़ गए, उसका लाभ ले रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी है और हायर एजुकेशन में भी हम लोग ई लर्निंग की शुरुआत की है ताकि घर बैठे बैठे वो पढ़ाई कर सके। जो नुकसान, जो कॉलेज बंद होने से जो नुकसान है जी, स्कूल बंद होने से जो नुकसान है उसे कुछ भरपाई हो सके। एक और बड़ी अच्छी पहल की है मुख्यमंत्री जी इस दौरान शासन ने, वो भी मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले कि जब लॉकडाउन खुलता है, अधिक लोग जमा ना हो सब्जी खरीदने के लिए, तो आपने होम डिलीवरी शुरू की है जिसमें एक पोर्टल शुरू किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी तो दूरी बना के रखना बचाव में ही सुरक्षा जी। तो यदि हर व्यक्ति बाजार जाए
और सामान लाए, उससे अच्छा ये है कि हमने सीजी हार्ट की शुरुआत की जी। और उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों जुड़ जाते हैं जी। और दोनों जुड़ने से फायदा ये है कि आप जो जो सामान आपको चाहिए वो उस पोर्टल में आप डाल दीजिए और चाहे वो सामान फिर आपके घर पहुंच जाएगा, पैसे आप उसको पेमेंट कर दीजिए जी। तो इसका भी लाभ लोग ले रहे हैं और बड़ी डिमांड है इसकी, और इससे इसकी सफलता से हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसको भी हम जोड़ रहे हैं उसमें, ताकि प्रदेश के भीतर भी और प्रदेश के बाहर भी जो लोग उसको खरीदना चाहें, हमारे यहाँ कोसा भी होता है, हमारे यहाँ बस्तर में जितने भी लघु वनोपज होता है उन सबको भी इसमें डाल देंगे ताकि लोग खरीदना चाहें तो ले सकते हैं जी। मुख्यमंत्री जी, हर संकट के कई आयाम होते हैं, ये जो कोरोना संकट है इसके अपने नुकसान तो हैं ही, लेकिन एक आयाम ये भी है कि संकट के दौरान जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो शासकीय डॉक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, उन्होंने जितना प्रशंसनीय काम किया है, तो शासकीय विभागों शासकीय कर्मचारियों के प्रति लोगों के मन में जो छवि है वो बहुत बेहतर हुई है। पुलिस जो अपनी सख्ती के लिए जानी जाती थी उसका एक बड़ा मानवीय चेहरा इस पूरे संकट काल के दौरान सामने आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले 144 धारा जो लगाया जाता था, कर्फ्यू लगाया जाता था, तो उसमें कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती थी तब लगाया जाता था जी। अभी जो लगाया गया है वो कोरोना से निपटने के लिए लगाया गया है, तो उद्देश्य वो बदल गया है जी। तो उद्देश्य बदलने से लोगों की भूमिकाएं भी बदली जी। तो जो हमारे पुलिस के कर्मचारी उसी चौक में खड़े हैं जी, लेकिन लोगों उससे भयभीत नहीं हो रहे हैं जी, उसे डर नहीं रहे बल्कि एक मददगार के रूप में देख रहे हैं, और वो चेहरा सामने आया, मानवीय चेहरा सामने आया। दिन रात उन्होंने मेहनत की, चाहे हमारे नगर निगम के कर्मचारी हों, घूम घूम के सफाई भी किए और राशन बांटने के लिए काम किया शहरों में, फूड डिपार्टमेंट के जितने भी आप देखेंगे, 56 लाख परिवारों को, हर परिवार को 70 किलो चावल देना, JPL कार्डधारी लोगों को भी चावल देना, जिसके कार्ड नहीं बने उनको भी चावल देना जी। और तो ऐसे लोग जिसका कुछ भी नहीं है, न आधार कार्ड है, न राशन कार्ड है, न कोई परिचय पत्र है, ऐसे लोगों को भी राशन पहुंचाने का काम हमारे साथियों ने किया है। तो जितनी प्रशंसा की जाए इन लोगों की कम है। स्वास्थ्य विभाग ने खूब काम किया, हमारे अब 40 दिन का राशन मध्यान्ह भोजन का स्कूल के शिक्षकों ने बांटा जी। हमारे जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है वो जो आंगनबाड़ी में जो रेडी टू ईट मिलता है उसको घर घर पहुंचाने का काम किया जी। ये काम केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है और बड़े सेवा भाव से सब लोगों ने काम किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुख्यमंत्री जी, अंत में हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो जनता है, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये संकट बीता नहीं है, चुनौतियां अभी सामने हैं, और इन पूरी चुनौतियों का सामना सरकार को लोगों के साथ मिलकर ही करना है, तो इसमें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना के फर्स्ट फेज को हमने बहुत अच्छे से सामना किया है, और आप लोगों ने जो धैर्य और संयम का परिचय दिया है उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन अब बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है कि हमारे ही भाई, हमारे ही अपने लोग जो दूसरे प्रदेश में फंसे हैं वो वापस आएंगे, चाहे वो कमाने खाने गए थे या पढ़ाई करने गए थे या व्यापार करने गए थे या रिश्तेदारी में गए थे, सब लोग वापस लौटेंगे। तो ऐसे समय में ज्यादा धैर्य और संयम की आवश्यकता है, और उन लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार भी हो और उन्हें क्वारंटाइन में रखें, उसे दूरी बना के रखें, और कोई भी व्यक्ति यदि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में वो आते हैं तो प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दें ताकि उनके उचित व्यवस्था की जा सके। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे तभी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।